हेलो गाइड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ सुभद्रा प्रधान। चलिए आज सुबह का कुछ मूवमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज सुबह मैं जब करेला कट कर रही थी करेला का भाजी बनाने के लिए, तभी मुझे एक चीज़ मिला, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये क्या है, बताइए तो ये क्या है। एक राइप करेला का सीड से मैं अभी उसका रखी हूँ, बाद में मैं इसको क्या करने वाली हूँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बंद कर लो। मामा ये क्या कर रहे हो? ये क्या है बताओ तो। ये करेले का सीड है। आपको पता चला ये करेले का सीड है? हाँ, करेले के बीज है सिर्फ, और आप इसके छिलके निकाल कर इसे यहाँ रख रहे हैं। देखो ऐसा निकल रहा है इसमें से। एक छिलका रह गया है। दे गए गए निकाल दो। अरे नोट तेरी से आ गए मैं। मामा मैं आपको कुछ हेल्प करूं? नहीं, कुछ हेल्प करने की जरूरत नहीं है। अभी मेरा क्लास है। आपका क्लास है अभी? हाँ, 9:30 में कंप्यूटर क्लास है। कंप्यूटर का क्लास है? हाँ ठीक है, आप जाओ क्लास करो। ओके ओके। अभी मेरा सारा सीड्स निकल गया है, उसको ड्राई होने के लिए मैं अभी छोड़ दूँगी। आज मैं ब्रेकफास्ट में सौरभ के लिए रोल बना रही हूँ। अभी मैं रोल का स्टफिंग बना ली हूँ। स्टफिंग में मैंने सिर्फ गाजर और ओनियन डाली हूँ, क्योंकि सौरभ को कैप्सिकम पसंद नहीं है और गाजर ओनियन डालने से वो खा लेता है। मम्मी आज ब्रेकफास्ट के लिए क्या बना रही हो? मैं आपके लिए रोल बना रही हूँ। एग रोल? हाँ, पसंद है आपको? हाँ, एग रोल पसंद है, लेकिन मैं उसको आटा से बना रही हूँ, मतलब व्हीट फ्लोर से बना रही हूँ। हाँ जानता हूँ, मुझे आटा से बनाया हुआ बहुत पसंद है, क्योंकि मैदा का फ्लोर अच्छा नहीं है ना सेहत के लिए। हाँ जानता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए आटा से ही बना रही हूँ। हाँ, कुछ लोग मैदा यूज़ करते हैं या कुछ लोग आटा। मैदा यूज़ करते हैं, लेकिन मैदा को व्हाइट पॉइजन बोलते हैं, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ जानता हूँ। अभी मेरा एक लीडिंग क्लब है, मैं क्लास कर सकता हूँ? ओके जाओ। ओके ठीक है। मुझे लगा इसके अंदर लेगो ब्लॉक्स निकलेगा। लेगो ब्लॉक्स? हाँ, और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मुझे हाउस होल्ड थिंग्स अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता है? हाँ, हाउस होल्ड थिंग्स मुझे अच्छा नहीं लगता। हाउस होल्ड थिंग नहीं आएगा तो कैसे फ्लोर मैपिंग होगा? हाँ, हाथ से करना पड़ेगा ना। हा? पापा तो हमेशा कहते थे मशीन हमेशा यूज मत करो, अपने आप से हाथ से यूज करो, हाथ तो है ना रियल मशीन। पापा हमेशा कहते थे। हाँ, और आप तो कभी अगर ये होता तो लेगो ब्लॉक होता तो आप खुश हो जाते नहीं? हाँ हाँ, लेगो ब्लॉक से तो रिसाइकल करके कुछ और ट्रांसपोर्ट भी बना सकते हैं और जानवर भी। ओके ठीक है, आपको तो बर्थडे में एक लेगो ब्लॉक मिला था, फिर क्या? पर उन ट्रांसपोर्ट सेट को हमने मिट्टी में मिला दी, मतलब आपने उसे तोड़ ताड़ करके फेंक दी। नहीं मैं नहीं फेंकी हूँ, मैं उसको रखी हूँ एक पैकेट के अंदर में रखी हूँ उसको। ठीक है।
सुबह में जो करेला सीड निकाल के रखी थी वो तो अभी पूरा ड्राई हो गया है। मैं अभी उसको प्लांट करने के लिए जा रही हूँ। देखिए कि बकेट के अंदर मिट्टी ली हूँ मैं, अभी मैं उसको प्लांट करूँगी। मामा थोड़ा मिट्टी को गीला कर दीजिए और सीड डाल दीजिए। ये देखिए मामा मिट्टी गीला कर रही है। आपको करेला पसंद है? हाँ पसंद है। अगर करेला उगेगा तो आप खाओगे? हाँ बिटर तो लगेगा लेकिन मज़ा बहुत आएगा। और आपको तो बिल्कुल भी करेला का कुछ फ्लेवर या मेडिसिन या उसका चटनी या उसका वेजिटेबल कुछ तो खाना, कड़वा खाना बहुत पसंद है आपको। आपको कैसे पता मुझे पसंद नहीं है? मुझे तो पहले से पता है। हमने एक करेले का मेडिसिन दुकान से लिया था, बट आप जो खाए तो ऐसे किए। करेला का सीड है, अभी मैं उसको प्लांट कर रही हूँ। और मैं भी इसे प्लांट कर रहा हूँ। आपको एक प्लांटिंग करना है? हाँ मैं भी। गड्ढे के अंदर नहीं डालना है इसको, डिस्टेंस में करना है। ठीक है डिस्टेंस। रुको यहाँ पर भी। हो गया डिस्टेंस में अंडर कर दिए इसे। हाँ ठीक है। इन तीनों को अच्छे से दिखाओ। देखो इसको बीच में कीजिए। इसको और इसको और एक है। हाँ अगर इसे नहीं करेंगे तो ये प्लांट नहीं बनेगा। इसमें थोड़ा सा और पानी दीजिए। और पानी डालना है। अभी हमारा हो गया क्या हो गया? करेले का प्लांट अभी सीड डाला है बस, और कुछ देर में वो एक छोटा सा कुछ दिन के बाद। हाँ ठीक है कुछ दिन के बाद ये छोटा सा बेबी प्लांट बनेगा। उसका बहुत बड़ा सा प्लांट बनेगा। हाँ। फिर मैं ऐसे करेले निकालूंगा और उसे फ्राई करके खाऊंगा। हाँ। अभी देखिए अभी हमारा प्लांटेशन हो गया। अभी देखिए बकेट के अंदर मैंने करेला सीड को प्लांट कर ली हूँ। देखते हैं क्या हो रहा है। प्लांट निकलने के बाद ही पता चलेगा। लास्ट ईयर तो मेरी बालकनी पूरा किचन गार्डन बन गया था। क्योंकि मैंने बहुत सारा प्लांटेशन की थी, करिंडर, पम्पकिन, करेला और क्या बाबा, आलू और टमाटर। हाँ टमाटर और क्या, और याद है? नहीं मिर्ची। हाँ मिर्ची। मिर्ची हम मिर्ची भी प्लांटेशन की थी। हुआ था छोटा छोटा आलू, बहुत क्यूट लग रहा था। और छोटा छोटा करेला, 15-20 करेला हुआ था। और करिंडर लीफ भी हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सुबह उठ के आके इधर ही बालकनी में खड़ा हो जाती थी। बहुत अच्छा लग रहा था वो प्लांट को देख के। इस साल मैं कुछ प्लांटेशन नहीं की हूँ क्योंकि हम लोगों को मैं भी जाना है, उड़ीसा जाना है दिसंबर में या नवंबर लास्ट वीक तक हम लोगों को जाना है उड़ीसा। उड़ीसा जाने से तो यहाँ पर कोई नहीं होगा वो देखने के लिए पौधों को, इसीलिए इस साल मैं प्लांटेशन नहीं की हूँ। आज सुबह करेला कट कर रही थी, वो ये वाला सीड मुझे मिला तो मैं सोची कि थोड़ा उसको प्लांट उसको लगा दूँ। सुबह मैं करेला कट कर रही थी तो ये वाला सीड मुझे मिला तो मैं सोची कि ठीक है उसको मैं लगा दूँ। देखते हैं क्या हो रहा है। करेला नहीं तो उसका लीफ भी काम में आ जाएगा, अगर हो जाएगा तो प्लांट निकल आएगा तो उसका लीफ भी काम में आ जाएगा। क्योंकि करेला का लीफ से बहुत अच्छा सब्जी बनता है। करेला का लीफ, ब्रिंजल और बड़ी आलू
और मस्टर्ड पेस्ट डाल के उसमें बहुत अच्छा सब्जी बनता है। मेरी माँ, सासू माँ और बुआ सास सब बनाते हैं, गांव में हमारा बनता है, बहुत अच्छा विलेज फूड है। इसीलिए मैं सोची मैं ये वाला प्लांटेशन कर दूँ, देखते हैं क्या होगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अगर मेरी करेला का पौधा निकलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर एक नटी बच्चा को देखिए क्या कर रहा है, वो फ्लोर क्लीनर को लेके उसका खेल स्टार्ट हो गया है। अंदर क्लिप डाल के रेनबो में, रेनबो मैजिक देख रहा हूँ। रेनबो मैजिक? हाँ रेनबो, हाँ रेनबो बड़ा सुंदर है। इसके ऊपर ये खराब हो जाएगा, ऐसे मत करो बाबा, निकाल दो वो क्लिप, निकाल दो उसमें से बाबू। ठीक है ठीक है, रेनबो मैजिक खराब हो जाएगा तो पापा फिर गुस्सा करेंगे आपके ऊपर। रेनबो मैजिक अब देखना नहीं देते। निकाल के उसको बॉक्स के अंदर रख दो, ठीक है? इसको हाँ, गुड बॉय। देखिए मैं जो करेला का सीड लगाई थी, मैं वो बकेट को यहाँ पर रखती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा धूप मिलेगा उसको। आज तो सुबह सुबह मैं क्या 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 किया आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। बाबा आपका एक्टिविटी क्लास खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया। क्या किया आप एक्टिविटी क्लास में? एक्टिविटी क्लास में मैंने माँ और मेरी माँ गाना गाया। गाना गए? हाँ। टीचर क्या बोले? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, वेरी गुड। हाँ आप थोड़ा गाना गा के सुना दो, अंकल आंटी और आपके जितने फ्रेंड है सबको सुनाओगे? हाँ हाँ ठीक है सुनाता हूँ। सुना। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ तू मेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। बहुत अच्छा गाना गाया मेरा बेटा ने। हाँ बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाए। ओके आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सौरभ आज इतना अच्छा गाना गाया, आप उसके लिए ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ बोलना है अंकल आंटी को? नहीं कुछ नहीं बोलना। कुछ नहीं बोलना है? नहीं बोलनी है। बोलो, अंकल आंटी लिख के भेजेंगे, मैसेज करेंगे कि आपका गाना उनको अच्छा लगा कि नहीं लगा, बताओ। हाँ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय।